नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक कुछ अच्छी जानकारी पहुंचा सकूं। तो आज का यह वीडियो बहुत उपयोगी है हमारी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत उपयोगी है, खास तौर पे उनके लिए जो कि माँ बनकर अभी अभी आई है या फिर माँ बनने जा रही है। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसे पानी के बारे में बताने जा रही हूँ जो किसी अमृत से कम नहीं है। हाँ जी, तो बुंदेलखंड का चरुआ का पानी, यह आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं बुंदेलखंडी हूँ। मैं बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से हूँ। वहाँ पे एक रीति रिवाज होता है, जब भी कोई माता बनकर आती है या बेटी या बहू बच्चा पैदा करती है, जब वो घर आती है तो उसके लिए एक पूजा रखी जाती है जिसमें सभी महिलाओं को बुलावा दिया जाता है। फिर उसके बाद एक मटके में पानी भर के उसको गरम करने रख दिया जाता है और उसके अंदर कुछ कुछ जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं और वो जड़ी बूटियाँ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उपयोगी है। और वही पानी उसको दिया जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से हील ना हो जाए। 2-3 महीने भी अगर वो पानी पीती है तो कोई उससे नुकसान नहीं है। तो उस पानी में क्या क्या डालते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले चाहिए एक सफेद कलर का कपड़ा, जिससे कि उन सारी औषधियों को उसके अंदर रखें और पोटली बना के हम मटके में उसको डाल सके। उसके बाद हमें उस पोटली में क्या क्या डालना है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले उसमें डलती है अजवाइन, जो बहुत उपयोगी है। उसके बाद उसमें डलता है जीरा, उसके बाद उसमें डलता है सुपारी, हल्दी की गांठ, खैर की लकड़ी। खैर क्या होता है, आपने कत्था तो आप सबने सुना होगा। तो कत्था जिस पेड़ से बनता है, जिस लकड़ी से कत्था बनाया जाता है, उसे हम खैर की लकड़ी कहते हैं, वो बहुत उपयोगी है। उसके बाद इसमें उपयोग आता है पीपली, पीपल मूला, जो कि आयुर्वेदिक औषधि है, और एक और चीज बायबिडिंग, जो भी एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे हम फॉल्स ब्लैक पेपर कहते हैं, जो काली मिर्ची होती है उसके जैसा ही ये दिखता है। तो यह सारी चीजें, और इसके साथ साथ एक और चीज वो है तांबे का सिक्का। आपको यह सारी चीजें लेनी है एक कपड़े में, इसको पोटली बना के आप सफेद कलर का कोई थोड़ा पतला वाला जो कपड़ा होता है, जिससे कि उन सारी औषधियों का जो अर्क है वो पानी में मिलता जाए। तो आपको एक पोटली बनानी है और पानी में इन सब चीजों की पोटली को डाल देना है। पानी को उबलने रख देना है, करीब 1 घंटा से ज्यादा इस पानी को उबलने रख दीजिए। जब पानी 1 लीटर कम हो जाए तब पानी को बंद कर दीजिए। उसके बाद जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो उस पानी को गुनगुना ही आपको देना है। जब भी महिला को प्यास लगे आप उस पानी को गुनगुना पानी ही उसको पिलाइए। कम से कम 2 से 3 महीने अगर आपने यह पानी यूज कराया तो यकीन मानिए उसको कोई भी एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी। डिलीवरी के बाद होने वाले जितने भी प्रॉब्लम है वह सारी प्रॉब्लम इतने स्मूथली निकल जाएंगे कि उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो बहुत जल्दी हील हो जाएगी। तो इन सब चीजों में एंटी ऑक्सीडेंट क्वालिटी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी क्वालिटी होती है, जितने भी इंफेक्शन है वो सारे क्योर हो जाएंगे। और एक और चीज, चाहे वो सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी, सब में टाके लगते हैं जिसे हम स्टिचेस बोलते हैं, तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, उसमें घाव नहीं होगा, पकेंगे नहीं। तो बहुत अच्छी है ये औषधियां, बहुत अच्छा है ये पानी पीने के लिए। तो अगर आप बच्चा पैदा कर आए हैं तो आप नॉर्मल पानी नहीं पियेंगे, आप सिर्फ यही पानी पियेंगे। तो मैंने आपको बताया इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे उपयोग करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।